SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। रामदयाल हत्याकांड के आरोपित भाई बहन गिरफ्तार। गिरफ्तार युवती व उसका भाई हत्याकांड में थे नामजद। परीक्षा देकर बाहर आने के क्रम में पुलिस ने दोनों भाई व बहन को किया गिरफ्तार। खबर घुटनी से है। घुटनी के सेमाठार गांव में हुई रामदयाल मिश्र हत्याकांड में आरोपित पारस मिश्र के पुत्र निर्मल मिश्र व पुत्री खुशबू मिश्रा को घुटनी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। खुशबू मिश्रा परीक्षा देने के लिए अपने भाई निर्मल संग यूपी के बनकटा थाना क्षेत्र के राजेंद्र बाबू कॉलेज बनकटिया गई थी। खुशबू बीए तृतीय वर्ष की परीक्षार्थी है। वादी पक्ष द्वारा पुलिस को उसके परीक्षा देने के लिए कॉलेज में होने की सटीक सूचना दी गई थी, जिसके आलोक में गुठनी ने बनकटा पुलिस को सूचित करते हुए कॉलेज के आसपास निगरानी रखते हुए परीक्षा देकर बाहर निकली खुशबू को गिरफ्तार कर तथा उसके निशानदेही पर बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। घुटनी के सेमाटार गांव में हुई दो पटीदारों के बीच भीषण मारपीट में रामदयाल मिश्र की मौत हो गई थी और उनके भाई कैलाश मिश्र ने घुटनी थाना कांड संख्या 7422 के तहत पारस मिश्र और उनके बेटा बेटी सहित कई अन्य को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन्होंने थाने में दिए अपने आवेदन में लिखा है, मैं नित्य की भांति पूजा कर बरामदे में बैठा था और उसी क्रम में मेरे भाई रामदयाल नागेंद्र भतीजा राकेश विवेक मजदूरों के साथ मिलकर बाउंड्री का गेट लगा रहे थे। उसी दौरान पारस मिश्र, अरविंद मिश्र, निर्मल कुमार, रजनीश, खुशबू कुमारी व 5 अज्ञात लोग हाथ में लाठी डंडा धारदार हथियार लिए हमला कर दिए और सभी लोगों को मार पीट कर अधमरा कर दिए। भाई रामदयाल को मृत समझ छोड़े और देशी कट्टा से चकिया गाँव के शत्रुघ्न तिवारी की गोली चलाने से कई लोग बाल बाल बचे तथा रामदयाल अपनी जान बचाकर भागे, परंतु अन्य लोग घेर कर पीटते रहे। इस मामले में खुशबू और निर्मल की गिरफ्तारी के बाद अब भी अन्य नामजद अभियुक्त फरार हैं। SN Live से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।